लखनऊ भारत का वो शहर जो हमेशा अपने पकवान और खास तौर से अपने तहजीब को लेकर ट्रेंड करता है, अभी पिछले कुछ दिनों से अपनी आइटन को लेकर ट्रेंड कर रहा, और उस आइटन का कारण है ये लड़की प्रियदर्शनी नारायण यादव, जिसके अंदर अचानक से जॉन सीना की आत्मा समा गई और अवध चौराहे को WWE करिंग समझकर कैब ड्राइवर को धनाधन ऑन कैमरा 22 कंटाप पेल दिया। सिर्फ कंटाप ही नहीं पेले बल्कि उसका 25,000 का फोन तोड़ दिया, गाड़ी को डैमेज पहुंचाई और आने वाले कुछ सालों के लिए उसे जबरदस्त मेंटल ट्रॉमा अलग से दे दिया। पर ना तो ये WWE करिंग है और ना ही ये लड़की रेसलर, तो इस गलती की उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। जी हाँ, सजा मिलने की घड़ी अब आ गई है और ये सजा इसलिए मुमकिन हो पाएगी क्योंकि उस लड़की की कंटाप मारने वाली वीडियो और लड़के की बेगुनाही का सबूत CCTV फुटेज किसी तरह वायरल हो गई। क्योंकि अगर वीडियो वायरल ना होती और लोगों का सपोर्ट कैब ड्राइवर शादत अली को ना मिलता तो ना सिर्फ लड़की फेक फेमिनिज्म के चक्कर में आजाद घूमती बल्कि उल्टा वो आदमी जेल में डाल दिया जाता। ऐसा हमारा नहीं बल्कि कैब ड्राइवर शादत अली का कहना है। शादत अली ने जो प्रेस को कहा ये हम आपको आगे बताते हैं, पर उससे पहले आप दो बातों पर गौर करिए। पहली कि लड़के ने बीच चौराहे पर पब्लिक के बीच में 22 घंटा बिना किसी गलती के पाए, अगर आप उस जगह होते तो क्या सहते? मेरा खुद का जवाब है नहीं। दूसरी कि अगर बाई चांस लड़के ने उसे एक कंटाप उल्टा मार दिया होता तो सारे न्यूज वाले उस लड़की के 22 कंटाप के बजाय इसे एक सेल्फ डिफेंसिव कंटाप को रिपीट टेलीकास्ट पर चलाकर TRP बटोरते और भारत की सारी फीमेल एक्टिविस्ट जो इस समय सोई हुई हैं जागकर जस्टिस फॉर वुमेन का नारा लगाने लगती। कितना अनोखा देश है ना हमारा, लड़कों को जस्टिस पाने के लिए भी मार खानी पड़ती है। अब अगर जनता का सपोर्ट ना मिला होता तो कैब ड्राइवर शादत अली को किस तकलीफ से गुजरनी पड़ती, ये वो खुद मीडिया को बताते हैं कि उनका 25,000 का फोन लड़की ने तोड़ दिया, उनकी 600 रुपये की दिन की कमाई उनसे छीन ली, गाड़ी को डैमेज किया और जब पुलिस स्टेशन वो पहुंचे तो पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी बल्कि लड़की का पक्ष लेते हुए उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिख दी और उल्टा गाड़ी छुड़वाने के लिए उनसे 10,000 रुपये की रकम वसूल ली। ये तो शुक्र मनाइए कि वीडियो वायरल हुई जिससे सच सामने आया और उनको पब्लिक का भरपूर समर्थन मिला। देश में ये दूसरा मामला था साल का जहां फेक फेमिनिज्म का भांडा फूटा है। पहला बेंगलोर से हितेशा चंद्रानी का जोमैटो केस, वहीं दूसरा लखनऊ से प्रियदर्शनी यादव का कैब केस।